नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने ली पत्रकार वार्ता, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार की सीरीज चलाने का लगाया आरोप। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर किया तीखा हमला, कहा जेल भेजने से ज्यादा और क्या कर लेंगे, डरा धमका कर भेज रहे हैं जेल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देने वाले बयान पर तीखा हमला किया है। श्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि मतलब अब गुंडागर्दी करेंगे, बुलडोजर चलवाएंगे और उल्टा लटकाएंगे। ईडी आईटी आपकी है, उल्टा लटकाओ या सीधा लटकाओ, ये कर क्या रहे हैं यहाँ, जेल भेजने से ज्यादा और क्या कर लेंगे, डरा धमका कर जेल भेज रहे हैं। भाजपा के आरोप पत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया है, भाजपा के नेताओं को जवाब देने का औचित्य नहीं है। मैंने सोचा था कि आरोप पत्र पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा, पर आरोप पत्र पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री पत्रकारों के प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र ये थी, बाहर में ईडी लगाया गया था, वो भी भरा लेते हैं, माल था वो खाली था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं पर आरोप पत्र जवाब देना, उसको जवाब देने का औचित्य नहीं है। मैं सोच रहा था उसको जवाब दूंगा, कभी पत्रकार पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है। जब उनको विश्वास नहीं है तो उस आरोप पत्र का जवाब देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हम बताइए। कार्यालय पहुँचे मनसुख जी, गुजरात पहुँच गए, वापस आए और यहाँ अब इनके जबान भी बिगड़ते जा रहे हैं। रमन सिंह आरोप पत्र घोषणा पत्र कर रहे हैं, है ना, और इनको विश्वास है ही नहीं खुद पे। तो इस कारण से जब उनके कार्यकर्ता विश्वास नहीं कर रहे हैं, जनता तो विश्वास करती ही नहीं वही तो ना, उतने कार्यकर्ता नहीं जुटे। गृह मंत्री एक रात भर एक दिन पहले आ गए हैं, तब वो जुट नहीं पाए कार्यकर्ता। वही तो मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी, तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू। ये जो सट्टा वाले हैं महादेव ऐप, यहाँ हमने कार्रवाई की, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई और सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा भी जब्त किया, गैजेट भी जब्त किए, उसमें मोबाइल और टैबलेट भी, लैपटॉप भी जब्त किए। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया, आप पकड़ के लाओ और महादेव ऐप बंद करो। आप कहते हैं ना कि कौशल उन्नयन योजना के तहत आप सट्टा खिला रहे हैं, तो आप तो GST ले रहे हो सर, उसमें सट्टे में जुए में आप 28% GST लगा रहे हैं, उसको कब बंद करोगे? और दूसरी बात, जितना भी आप मोबाइल में आप देखो वो सब आ रहे हैं, उसको कब रोक लगाओगे? और सबसे बड़ी बात ये है, महादेव ऐप जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक के वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो गृह मंत्री बताए कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है, ये बताए गृह मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सत्य की राजनीति करती है, सत्य ही धर्म है, कांग्रेस असत्य की राजनीति करती है। भूपेश बघेल का DNA ही रामद्रोही है, कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी है। इसका प्रमाण यह है कि कांग्रेस द्वारा जारी बुकलेट में राम मंदिर पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस वोट लेने के लिए काल नेमी की तरह राम राम जपती है और तब भी उसका विद्रूप चेहरा उसके दस्तावेज के रूप में सामने आ जाता है। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हिंदू विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। काल नेमी कांग्रेस को जनता रूपी हनुमान की गदा पड़ने वाली है। भूपेश बघेल जी का चेहरा बेआबरू हो गया है, बेनकाब हो गया है, और जो उनके पिताजी का DNA उनके में है वो सामने आ गया है।
कि उनके पिता ने भी माता सीता और प्रभु राम के बारे में अभद्र शब्द कहे थे। अब कांग्रेस के जो बीजेपी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने प्रभु राम के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में बातें कही हैं, और इससे अब यह साबित हो गया है कि भूपेश बघेल जी ना प्रभु राम का आदर करते हैं, ना उनका सम्मान करते हैं, ना कौशल्या का आनंद सम्मान करते हैं, ना हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। वो राम राम कालनेमी के रूप में, तारका के रूप में जनता रूपी हनुमान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता इसका जवाब पूरे तरीके से देगी। ये कांग्रेस के आरोप पत्र के 82 और 83 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए धन्यवाद। रविवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के कई प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। रविवार को हुई बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान भी आया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी ने अपने विचार रखे हैं, प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने विशेष भरोसा रखा है। छत्तीसगढ़ का युवा या गरीब या किसान और मजदूर या आम आदमी हो भी, सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आगे कुमारी शैलजा ने ये भी कहा कि 5 साल के विकास में उन्हें हिस्सेदारी मिली है, पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से हम सरकार बनाएंगे। आज हमने प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग अभी हुई, सबने अपने अपने विचार रखे। मोटे तौर पर कुछ जो जनरल बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की, और सभी लोगों में जो फीडबैक फील्ड से आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है, बहुत अच्छा, लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है। और चर्चा हुई कल की, जो एक ऐतिहासिक युवाओं की रैली हुई, राहुल जी ने जिसे संबोधित किया, उसकी विशेष रूप से चर्चा हुई कि वापस जो गए हैं हमारे युवा, क्या संदेश लेकर गए, क्योंकि हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर छत्तीसगढ़ के लोगों ने विशेष भरोसा रखा है। पिछली बार जो राहुल जी ने कहा, चुनाव के समय आप अध्यक्ष थे, चुनाव के समय राहुल जी ने कहा, वो चुनाव के फौरन बाद सरकार बनते ही लागू किया, तो कल राहुल जी ने उसका भी उल्लेख किया। और आगे के लिए युवाओं में ऊर्जा भरी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ का चाहे युवा हो, चाहे हमारा गरीब भूमिहीन हो, चाहे किसान मजदूर, शहर ग्रामीण, मिडिल क्लास, सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं छत्तीसगढ़िया होने के नाते। और जो यहाँ पर 5 साल में विकास हुआ है उसमें उनको हिस्सेदारी मिली। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मुनाफा कमाया और अपने जेब में रख लिया और चुनाव वाले आखिरी साल में कुछ दिखाया। पूरे 5 साल, चाहे कोविड का समय हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। और आज यही कारण है कि देश भर में छत्तीसगढ़ की चर्चा है, देश भर में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से, पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से हम सरकार बनाएंगे। आज चर्चा हुई, फीडबैक लिया, सभी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। कल फिर से हम बैठेंगे, फिर मीटिंग होगी, और ये मीटिंग तो आप जानते हैं कई बार होती हैं, बार बार होती रहेंगी, और बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है। आगे जो बात होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जल्दी आएगी जी। खड़गे जी का दौरा है 8 तारीख को राजनांदगांव में, और उसकी पूरी पूरी तैयारी है, लोगों में उत्साह है। आपने देखा जिस प्रकार से कल राहुल जी की रैली रही, उससे पहले खाड़गे जी की चांपा जांजगीर में जो रही, उनका जो बोलने का तरीका, लोगों से बातचीत का तरीका, एक
अपने आप में लोगों को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि ज़मीन से उठे हुए हमारे वो नेता हैं और जिस प्रकार से, जिस अनुभव से वो बोलते हैं, उनके सामने मोदी जी कुछ जवाब दे नहीं पाते। लेकिन आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग मिलकर, कार्यकर्ता लोग मिलकर ये चुनाव जीतेंगे। हमारे नेता राहुल जी फिर आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे और भी अन्य हमारे बड़े नेता लोग समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। देखिए, ये समय के साथ जो फैसला होगा, सभी लोग मिलकर, हमारे मेंबर सभी फैसला करेंगे, उसके मुताबिक हम करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई बात को भूपेश बघेल ने ढंग से पढ़ा नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा, इससे भूपेश बघेल को पीड़ा होती है। भ्रष्टाचार को बोलोगे छत्तीसगढ़ में तो भूपेश को तकलीफ होती है। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को लटकाने की बात कही थी। उसको पूरी लाइन को भूपेश पढ़ा नहीं है ढंग से, उस लाइन को मैं पूरा कर देता हूं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट जो आपके टेलीविजन में भी रिकॉर्ड है, पेपर में भी रिकॉर्डेड है, माननीय अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। ये भूपेश को बुरा क्यों लगता है? भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा, इससे भूपेश को पीड़ा होती है। भ्रष्टाचार को यदि बोलोगे छत्तीसगढ़ में तो भूपेश को तकलीफ होती है। अमित शाह ने भ्रष्टाचारियों को लटकाने की बात कही, अब उसमें मुख्यमंत्री अपने आप को जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसे सीधे जुड़े हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्मरोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है।
कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के हाथों भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र के 360 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। महापौर निर्मल कोसरे के संयोजन में आयोजित ये शिक्षक दिवस सम्मान समारोह भिलाई चरोदा में भीड़ के लिहाज से अब तक का बड़ा आयोजन रहा। वहीं सम्मानित हुए शिक्षकों ने हर्ष जताते हुए गरिमामय आयोजन के लिए महापौर को साधुवाद दिया। भिलाई 3 के मंगल भवन में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह 2023 का गरिमामय आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन के संयोजक महापौर निर्मल कोसरे रहे। कार्यक्रम में भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के 360 शिक्षक शिक्षिकाओं को श्रीफल, स्मृति चिन्ह और कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। गरिमा और भव्यता के लिहाज से ये आयोजन भिलाई चरोदा में अब तक का सबसे बड़ा शिक्षक दिवस सम्मान समारोह साबित हुआ। इसके लिए सम्मानित हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं ने महापौर निर्मल कोचरे की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चैतन्य बघेल ने सभी सम्मानित शिक्षक व शिक्षिकाओं को बधाई देते हुए समाज में उनके योगदान को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक वृंद बच्चों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान कर भविष्य के लिए अच्छे नागरिक बनने की नींव रखते हैं।
महापौर निर्मल कोसरे ने अपने आमंत्रण पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्मान समारोह में पहुंचे सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक परिवेश बनाने में शिक्षक शिक्षिकाओं के समर्पण और निष्ठा को भुलाया नहीं जा सकता है। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के 34 सरकारी जो स्कूल है वहाँ के 360 शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भिलाई चरोदा नगर निगम में जिम्मेदारी मिलने के बाद गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार विधायक बने तब से लेकर परंपरा पाटन में चल रही थी और गुरुजनों का सम्मान लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में किया जाता है। चूँकि मेरे वो राजनीतिक गुरु भी हैं और उनके आशीर्वाद से मुझे भी नगर निगम क्षेत्र का सेवा करने का अवसर मिला है, तो मैंने सोचा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे क्षेत्र के शिक्षकों का हम सम्मान करें। उसी कड़ी में हमारे नगर निगम क्षेत्र के सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय चैतन्य बघेल जी और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और हमारे सभापति जी सुजीत बघेल जी और ब्लॉक अध्यक्ष मनोज मढ़लिया जी, हमारे MIC के सभी शांतिगण, हमारे पार्षदगण सब आए और मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं गुरुजनों को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आप लोग की जब भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से एक शिष्य के रूप में आपके सुख दुख में सदैव खड़े होने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक, शिक्षकों का सम्मान समारोह आज रखा गया है, इसलिए रखा गया है, उस दिन कोई त्यौहार पड़ गया है महिलाओं का, इसलिए हम लोग कुछ रख दिए हैं। और शिक्षक दिवस का तो आप जानते हैं, गुरु बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है, इस श्लोक में ऐसा कहा गया है। और हमारे गुरुजनों का बहुत सम्मान हो और सम्मान होते रहना चाहिए। हमारे आदरणीय CM साहब अभी एक दो दिन पहले 2000 लोगों को प्रमाण पत्र बांटे हैं और गरीबों को, आपके आंगनबाड़ी को, आपके किसान को, हर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित किए हैं और सबके लिए अलग से धन निकाले हैं। ऐसे CM मैं चाहता हूं कि डबल हमारे छत्तीसगढ़ में आए और किसी के डराने से तो वो डरता नहीं है, ऐसा हमारा CM है। मोदी जी बहुत चाहें कि उसको ऐसा ऐसा करें लेकिन ऐसा CM हमको मिलेगा नहीं। इस देश में प्रथम CM है जिसकी प्रशंसा होती है। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, नगर निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी TR जगदल्ले, समाज सेवी सुरेश धिंगानी, प्रदेश कांग्रेस संयुक्त महामंत्री सुजीत बघेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मढ़रिया सहित MIC सदस्य विशेष रूप से शामिल रहे। वही आयोजन के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ भी आकर्षण का केंद्र रही। ग्रैंडेसियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा चुनावी आरोप पत्र का प्रचार कर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा चुनावी आरोप पत्र का प्रचार कर सभी जिलों में प्रेस वार्ता लेकर अपनी बात की जा रही है। इसी के तहत भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार की सीरीज चलाने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार अभी पूरा सामने नहीं आया है, वह तो जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी और भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएगी तब भ्रष्टाचार का पूरा आंकड़ा और सच सामने आएगा। वही प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 9 वर्षों की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए साकार बताया। उन्होंने कहा, प्रदेश की भूपेश सरकार की छोटी आबादी की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को आधारशिला रखने वाला चुनाव होंगे। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने घपले घोटाले करके और छत्तीसगढ़ को एक परिवार का एटीएम बनाकर विकास के मार्ग से भटका दिया है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाले करने वाली भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता तय करने वाली भाजपा की सरकार। प्रेस वार्ता के दौरान इस संबंध में मीडिया को अपनी जानकारी दी। नजदीक नजदीक के लोग सब जा रहे हैं। अच्छा ऐसा बताओ कि कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं, इस प्रदेश में तो बहुत अधिकारी हैं, तो सीएम के ही आसपास वाले अधिकारी क्यों जा रहे हैं? अभी प्रमाणित होते जा रहे हैं, जो उनके दाएं बाएं रहते हैं वही क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो बाकी विधायक भी हैं ना, यहाँ अरुण बोरा हैं, बाकी हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? सीएम साहब ही क्यों इतना छटपटा रहे हैं? सीएम सेक्रेटरीएट के लोग जा रहे हैं। आरोप पत्र में सीएम को देखो समझो उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आप सब निकालो, सीएम में दाग है आतंक। आपके यहाँ आपके बिरादरी के एक व्यक्ति को चरस गांजा उसके आधार पर उठा के जेल भेज दिया क्योंकि उसने सच्चाई छापा, ये है आतंक। बिजली बिल हाफ करते हुए पहले उन्होंने बिल बढ़ाया है और बढ़ा के हाफ किया है। दूसरा, कई जगह बिजली ही अभी नहीं मिल रही है, बिजली के उत्पादन में कमी आई है। तीसरा, जहाँ तक बेरोजगारी भत्ता है, वो बेरोजगारों का 14,700 करोड़ खा गए हैं। रही बात किसानों का बोनस, उन्होंने वादा किया था कि 2017-18 का बोनस, 15-16 का बोनस देंगे, जो नहीं दिया, 2 साल का बकाया बोनस वो नहीं दिया। तीसरा, MSP के समानुपात में जो बोनस मिलना चाहिए था, जब 1700 रुपया MSP था तब 2500 रुपया इन्होंने कहा था, तो लगभग उस समय का डिफरेंस 750 रुपये था। आज जब 2200 रुपया हमारा MSP हो गया है तो 2950 रुपया इनका बनता है, पहले वो देना चाहिए। तो MSP के समानुपातिक बढ़ोतरी ना करके किसानों के साथ धोखा किया है। खाद बीज में कमी, बारदाना, सिंचाई और बहुत सारे मामले में, तो किसान बर्मी खाद जो है ज़बरदस्ती नकली खाद देख रहे हैं, तब DAP और ये सब यूरिया मिलेगा, तो किसान इस बात को समझ में। भूपेश सरकार ने जो लूट मचाई है और जन घोषणा पत्र के ऊपर जो उन्होंने झूठ बोला है, उस लूट और झूठ की पूरा प्रमाणित दस्तावेज आरोप पत्र के रूप में पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनता को लोकार्पित किया है। और 5 वर्षों में प्रदेश सरकार के कुकृत्यों से समाज का हर वर्ग आक्रोशित एवं निराश है, और आने वाले समय में लोकतंत्र के चुनावी महापर्व में वे इनके झूठ और लूट दोनों का जवाब देगी। भूपेश सरकार 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को तितर बितर कर दिया, जो पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने एक विकास का स्वर्णिम कालखंड जो था, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट तक लाए गए, और वर्तमान में वो सारी चीज़ें खराब करके रख दी, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को कर्जदार बना दिया। आज लगभग 28,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज हो चुका है, तो ये सारे चीज़ों का इस आरोप पत्र में उल्लेख है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
टेंशन ना लो, शिवा ले। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उतई साप्ताहिक बाजार के फुटकर व्यापारियों ने नगर पंचायत उतई के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साप्ताहिक बाजार के वाहन स्टैंड से लगातार मालवाहकों के चोरी होने की घटनाओं पर आक्रोश जताया गया। उतई साप्ताहिक बाजार में दुकानदारी करने आए फुटकर व्यापारियों के मालवाहकों के चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते शुक्रवार को ऐसे ही एक फुटकर व्यापारी का मालवाहक साप्ताहिक बाजार से चोरी हो गया, जबकि नगर पंचायत उतई द्वारा वाहन स्टैंड की बकायदा वहां व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके वाहन स्टैंड से मालवाहक चोरी हो रहे हैं। मालवाहक चोरी होने की रिपोर्ट सभी फुटकर व्यापारियों द्वारा थाना उतई में दर्ज कराई गई। इसके पश्चात सोमवार को साप्ताहिक बाजार के फुटकर व्यापारियों द्वारा उतई नगर पंचायत के अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और तमाम तथ्यों से अवगत कराया गया, जिस पर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन अध्यक्ष द्वारा फुटकर व्यापारियों को दिया गया। ज्ञापन की जानकारी आकाशगंगा फुटकर व्यापारी संघ के पदाधिकारी प्रमोद शाह ने दी। सर, हम लोग गए थे नगर पंचायत के उतई के अंतर्गत, शुक्रवार को एक बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार, पिछले 40-50 सालों से लग रहा है। वहाँ पे 2-3 सालों में गाड़ी चोरी की इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, कम से कम 10 गाड़ियाँ चोरी होगी, वो भी टेम्पो, जिसपे गरीब लोग अपना सब्जी लेके जाते हैं। उसी क्रमांक में 1 तारीख को एक चंदन कुमार साहब हमारे टमाटर बेचते हैं, वो ले गए थे अपनी गाड़ी, पार्किंग शुल्क भी दिया गया, पार्किंग का व्यवस्था भी है, सब चीज़ होने के बावजूद उनकी गाड़ी उस दिन चोरी हो गई। हम लोग उतई थाना गए, FIR नहीं हो रहा था, फिर भी वो लोग जबरदस्ती करने पे FIR किए। नगर पंचायत में गए तो उन लोगों का रवैया देख करके उतई नगर पंचायत पल्ला झाड़ रही है। नगर अध्यक्ष जो थे, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनसे बात हुआ तो वो सोमवार के लिए आश्वासन दिए हैं, और वहाँ का CMO साहब जो हैं वो भी आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी जाँच कर रहे हैं और जो दायित्व होगा वो पूरा किया जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि इस गरीब का टेम्पू का पैसा नगर पंचायत उतई भर पाया करे, क्योंकि नगर पंचायत उतई का जिम्मेदारी बनता है कि जब पार्किंग शुल्क ले रहा है तो वहाँ पे चोरी हुई वाहनों का वहन करे। बहरहाल मालवाहकों के चोरी होने से साप्ताहिक बाजार के व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी की घटनाएँ लगातार बढ़ते जा रही हैं। देखना होगा उतई पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी कब तक की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग में यादव समाज द्वारा हांडी लूट गोविंदा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने हिस्सा लेकर मटका फोड़ उपहार पाया। दुर्ग में यादव संघ मित्र कल्याण मंडल द्वारा बैगापारा में माखन हांडी लूट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोपाल मंदिर बैगापारा में जिला स्तरीय माखन हांडी लूट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ यादव संघ मित्र कल्याण मंडल के राजेश यादव शामिल रहे। उन्होंने बताया कि यह 17वां आयोजन है। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में प्रतियोगिताएं कराई गई, साथ ही दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरण भी किया गया। बता दें कि शहर विधायक अमोरा ने माखन हांडी लूट के पोस्टर का विमोचन करते हुए यादव समाज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए यादव संस्कृति भवन का पुनर्निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत प्रदान की। तो वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने यादव सामुदायिक भवन अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 3 लाख स्वीकृत किया। इस संबंध में यादव समाज के राजेश यादव और समाज की बालिकाओं ने प्रतिक्रिया दी। यादव संघ मित्र कल्याण मंडल द्वारा विगत 16 वर्षों की भांति इस वर्ष 17 वर्ष गोपाल मंदिर प्रांगण बैगापाड़ा दुर्ग में भव्य एवं सफल रूप से गोपिकाओं, यादव मातृशक्ति व ग्वाल बाल बच्चों व युवाओं द्वारा मक्खन हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,001 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपया और तृतीय पुरस्कार 2,001 रुपया रखा गया है, जिसमें हजारों बालक बालिकाओं सहित जनमान्य गणमान्य लोग खड़े हैं और इसका आनंद ले रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए गोपाल, गोपिकाएं, राधा कृष्ण यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे पास सभी टीम की जो महिलाएं हैं, विजयी महिलाएं भी यहां पे आ चुकी हैं। लूट के कार्यक्रम पर यहां हम लोग आए और आयोजन में हम लोग शामिल हुए और हमारी टीम फर्स्ट आई। कैसे लगा यहाँ के हम लोगों को? बहुत अच्छा लगा। हर साल होना चाहिए ऐसा आयोजन? हर साल होना चाहिए ऐसा आयोजन, जिसमें हम लोग हमेशा भाग ले सके और हमेशा कोशिश करें कि फर्स्ट आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर 7 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद भिलाई द्वारा संजय नगर सुपेला मैदान में शाम 6 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी लूट का वृहद आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले की प्रख्यात टोलियां हिस्सा लेगी। पुरस्कार राशि 51,000 रुपए रखी गई है। इस दौरान विहिप के जिला अध्यक्ष अमरचंद सुराना, जिला कार्याध्यक्ष पारस जंगेल, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर निहाल सहित विहिप एवं बजरंग दल के जिला तथा विभाग के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।